अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो इधर है ना, थोड़ा मिट्टी वगैरह बाहर हो गई थी, तो यहाँ पर मैं है ना झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि सुबह का टाइम था, ब्रेकफास्ट हमारा हो गया था, हस्बैंड चले गए थे शॉप में, तो मैं अपना काम शुरू कर दी, क्योंकि मेरा काम बिना नाश्ते के फ़ौरन बाद शुरू हो जाता है। जो भी बाहर वगैरह सफ़ाई करनी हो, घर में सफ़ाई करनी हो, तो ये शुरू हो जाता। मैंने सोचा मैं पहले बाहर सफ़ाई कर दूँ, क्योंकि फिर मुझे किचन का भी काम था, इसके लिए मैंने सोचा कि मैं पहले बाहर सफ़ाई कर दूँ, फिर किचन का काम करूँ, फिर मैं ना फ्रेश हो जाऊँगी, उसके बाद फिर फ्रेश होके नमाज़ पढ़ के बाद में मैं दूसरा काम करूँगी। तो इधर मैं आज आपको दो रेसिपी बनाना बता रही हूँ, वेजिटेबल आलू का फ्रोजन पराठा, जो आपको सहरी में खाने के लिए काम आएगा, सहरी के लिए बता रही हूँ, और उसके साथ एक बूंदी बना रही हूँ, क्रिस्पी बूंदी नमकीन, जो आप चाट वगैरह के ऊपर डाल के खा सकते हैं। तो यहाँ पर झाड़ू लग गई, तो यहाँ पर मैं आलू वेजिटेबल फ्रोज़न पराठा बनाना बता रही हूँ। तो ये फ्रोज़न पराठा है, आप इसको बना के फ्रीज कर सकते हैं, और सहरी में ना तो आप इसको खा सकते हैं। तो मैं बनाना बता रही हूँ, बहुत हेल्थी है और बहुत अच्छा रहता है। बहुत लोग सहरी में कुछ नहीं खाते हैं, तो वो पराठे को दही के साथ आप उसको गर्म कर लें, और उसको दही के साथ आप रायते के साथ खाएं, तो आपका हाजमा भी ठीक रहेगा और ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। इधर मैंने एक टेबल स्पून तेल डाला है, उसके अंदर मैं डाल दूँगी ये, मैंने कैरेट को घिस लिया है, क्योंकि कैरेट जल्दी गलता नहीं, इसलिए ये कैप्सिकम को ना चॉप काट लिया, एक बड़ी प्याज को चॉप काट लिया, और इधर है हरा धनिया, तो ये हम सारे इसके अंदर डाल देते हैं। पहले सबसे पहले मैं डाल दूँगी कैरेट और कैप्सिकम, प्याज को हम थोड़ी देर में डालेंगे। इसको सौते करना है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, तो सॉफ्ट कर लेंगे। फिर आलू भी इसमें पड़ेगा, वेजिटेबल आलू फ्रोजन पराठा, तो इसके अंदर मैं आलू भी डालूंगी। अब इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज और हरा धनिया, मैंने सब एक साथ में काट के रख लिया था, तो इसलिए मिक्स हो गया है। ये हरा धनिया और प्याज को मैंने डाल दिया, बस इसको हल्की आँच से सौते करना है, इसको जलाना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस इसको सौते करना, ना इसमें पानी वगैरह जाएगा, बस इसको इसी तरह से चलाते हुए हम हल्का सा उसको सौते कर लेंगे, नरम हो जानी चाहिए थोड़ी सी। ये सब्ज़ी बिल्कुल बिल्कुल सौते हो गई है, बिल्कुल हल्की आँच पर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था, ये सौते हो गए, मतलब हल्की नरम हो चुकी है ये, इसमें पानी वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला था, बस इसको हल्की आँच पे रख देंगे पकने के लिए, तो इसमें जो प्याज का पानी छूटता है ना, तो इसी में सौते हो जाएगी। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, फिर इसको मैं एक प्लेट में या बॉल में निकाल के ना इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, इसको अच्छी तरीके से ठंडा कर लेना है, चूल्हा बंद कर देती हूँ मैं, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो इधर प्लेट में निकाल के मैंने वेजिटेबल को ठंडा होने के लिए रख दिया था, तो ये ठंडा हो चुका है, मैंने इसको प्लेट में फैला दिया था, और इधर मैंने दो आलू को इसको मैश कर लिया, बहुत अच्छे से मैश करना है, इसमें ना लम्स वगैरह नहीं रहनी चाहिए, एकदम मैश रहना चाहिए आलू। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये मिर्ची पाउडर, मैंने एक चम्मच लिया है, ये नमक हाफ चम्मच है, ये ब्लैक पेपर कुटी हुई काली मिर्च हाफ चम्मच है, ये गरम मसाला पाउडर हाफ चम्मच है, ये चाट मसाला पाउडर हाफ चम्मच है, ये कुटी हुई लाल मिर्च हाफ चम्मच है, तो आप अपने हिसाब से इसमें नमक मिर्ची डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें नमक मिर्ची नहीं डालना, क्योंकि ये हम सहरी में खाने के लिए बना रहे हैं, तो इसमें नमक मिर्ची हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये डाल दिया हुआ है, इसी के अंदर मैं डाल दूँगी ये वेजिटेबल हमारी ठंडी हो गई है, शिमला मिर्च, प्याज, कैरेट और हरा धनिया, इसमें बिल्कुल भी मैंने पानी नहीं डाला था, बस इसको सौते हल्की आँच पर रख के इसको पकने छोड़ देंगे, तो ये प्याज के पानी में सौते हो जाएगा। नमक भी मैं इसलिए डाल दी क्योंकि मैंने वेजिटेबल में नमक डाला था, और आलू में नमक नहीं है, और आटा भी हम इसमें मिक्स करेंगे, तो इसके लिए मैं इसके अंदर नमक डाली हूँ। अब इधर मैंने ले ली हूँ मैं एक कप गेहूँ का आटा, अब थोड़ा थोड़ा आटा हम इसमें डाल के मिक्स करेंगे, पानी नहीं डालना है, बिल्कुल हम आटे की डो की तरह बना लेंगे, जिस तरह हम रोटी का आटा का डो लगाते हैं ना, इस तरीके से इसको बना लेंगे, इसको मिक्स कर लेना अच्छे से, पानी नहीं पड़ेगा इसके अंदर, जितना आटा जाएगा उतना आटे से हम इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि आलू में भी मॉइस्चर होता है, तो इससे हम मिक्स कर लेंगे, इसको डो बना लेंगे, जितना भी बनता है उतना हम इसको डो बना लेंगे। देखिए मैंने इसको आटा डाल के, ये एक कप आटा लगा था, इसको डाल के मैंने मिक्स कर लिया है, तो ये जो स्टिकी रहता है आलू, तो इसके अंदर अच्छे से आटा मिक्स हो जाएगा, पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
अगर आप आटा ज़्यादा डाल रहे हैं, आपको लग रहा है ये ड्राई हो रहा है, तो थोड़ा सा इसमें पानी का छींटा मारेंगे। मेरा तो ये परफेक्ट हो गया, पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये बहुत अच्छा सा डो रेडी हो गया। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। जितना भी पेड़ा बनता है आप बना लें, थोड़ा सा हम मोटा बनाएंगे क्योंकि पराठा बनाना है इसलिए। तो ये मैंने इधर पेड़े बना लिए, हम क्योंकि पराठा बना रहे तो थोड़े बड़े बड़े पेड़े रहेंगे। अब इसको हम आटा लगा के बेल लेते हैं। अगर आपको बहुत स्टिकी लगेगा, ये बेला नहीं जाएगा, तो आप प्लास्टिक रख के प्लास्टिक के ऊपर आप इसको फैला सकते हैं हाथ से, या बेल सकते हैं प्लास्टिक के ऊपर। मैं ऐसी बेल के देख रही हूँ, अगर ये नहीं बेला जाएगा ना तो फिर मैं इसको प्लास्टिक पर रख के बेल लूँगी, लेकिन मेरे ख्याल से बेला जाएगा इस तरीके से। अगर आपको ज़्यादा स्टिकी लग रहा है, बेला नहीं जा रहा ना, तो आप एक प्लास्टिक रैप रख के उसके ऊपर आप बेल सकते हैं इस तरीके से। और ये पराठा है तो ये थोड़ा मोटा है बस, थोड़ा सा मोटा रहेगा। तो इसको रखने के लिए है ना, मैंने इधर पे एक प्लेट ले ली है, और प्लेट के अंदर ना ये एक रैप, इसको मैंने ग्रीस कर लिया है तेल से, या घी लगा ले, तेल लगा ले। आपके पास बटर पेपर है तो बटर पेपर रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये प्लास्टिक थी तो मैंने सोचा मैं ये यूज़ कर लूँ। ये प्लास्टिक के ऊपर देखिए आप, मैंने इसमें तेल लगाया हुआ है, ग्रीस कर लिया ताकि हमारे पराठे अच्छे से इस पर आसानी से उठे। तो ये मैं इसके ऊपर रख लूँ ये पराठे को, मैं ना ये इस तरीके, इसके ऊपर हम और एक प्लास्टिक रखेंगे। ये मेरे पास प्लास्टिक थी तो मैंने इसको इस तरह से स्क्वायर स्क्वायर पीस काट लिया हुआ है, ये इसके ऊपर रखेंगे। और इसको भी मैं तेल से ग्रीस कर लूँगी ताकि ये ना चिपके नहीं बाद में। तेल लगा लिए, इधर भी तेल लगा लेंगे ताकि ना ये अच्छे से उठे, चिपके नहीं, दोनों साइड से तेल लगा। बस जब मैं बेल के बेलूंगी ना पराठा, तो इसके ऊपर रखूंगी। तो इस तरीके से हम इसको प्लेट के साथ में ही फ्रीज में रख देंगे। इसको फ्रीज होने देंगे 2 से 3 घंटा। जब ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, फिर निकाल के हम एक नॉर्मल प्लास्टिक बैग में डाल के इसको बांध के रख लेंगे। इसको भी बेल लेते हैं इसी तरीके से सब। प्लास्टिक रैप मैंने ऑलरेडी रख दिया है, तो इसको बेल के फिर उसी के ऊपर मैं इसको रख दूँगी। ये पराठा है तो हल्का सा मोटा रहना चाहिए, तो बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा पराठा ये आपका सहेली में खाने के लिए। क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना जैसे चावल वगैरह नहीं खाते हैं, रोटी नहीं खाते हैं, तो बस ये आपके लिए बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा हो जाएगा ये आपके लिए। आपको दूसरा कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सहेली में, आप ये खा। बस हो गया ये। तो मैंने इसके ऊपर प्लास्टिक रैप लगा के ना, मैंने इसके ऊपर तेल लगा लिया था, तेल से ग्रीस कर लिया था, तो इसी के ऊपर हम इसको भी रख देते हैं। हो गया, तो इसी तरीके से मैं सारे लगा लूँगी इसके ऊपर। फिर हमको प्लास्टिक रखना, मेरे पास एक बड़ा प्लास्टिक बैग था तो मैंने इस तरीके से स्क्वायर स्क्वायर पीस काट के इस पर रख लिया। तो इसके ऊपर फिर हम इस पर रखेंगे, इसको तेल से ग्रीस करेंगे इस तरीके से। हम सारे बना लेंगे। जब ये 2-3 घंटे के लिए मैं रख दूँगी, जब ये हल्का सा फ्रीज हो जाता है ना, फिर निकाल के मैं आपको ना इसको सेक के भी बताऊँगी। इसको पलटी करके रखेंगे ताकि ना ये आसानी से निकल जाए, इसलिए मैं इस पर तेल लगा रही हूँ। ये पराठा आपस में ये प्लास्टिक रहेगी तो पराठा चिपकेगा भी नहीं, और तेल से ये ना आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम सारे बना लेंगे। जितने भी आपको बनाना है 15-20-25 आप बना के रख दें। और इसको फ्रीज में मैं प्लेट के साथ में रखूँगी अभी इसी तरीके से। जब ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ना, फिर हम इसी को प्लास्टिक के साथ में ही ऐसे उठा के कोई एक बड़े प्लास्टिक बैग में डाल के उसको फिर नॉट लगा के बंद करके गाँट लगा के हम इसको फिर डीफ्रीज़र में रख देंगे। तो 20-25-30 आपको जितने बनाना इस तरीके से बना के रख दें। क्योंकि सहरी में कभी कभी क्या होता है, टाइम नहीं होता है, आप फटाफट इसको निकालें, थोड़ा सा तेल डालें, तब फिर सेकें और इसको चाय के साथ, रायते के साथ इंजॉय करें। जो लोग चाय पीना चाहते हैं चाय पिए, बहुत हेल्दी अच्छा पराठा है। देखिए सारे पराठे बेल गए, और मैंने तेल लगा के शीट पे तेल लगा लगा के रखा था ताकि ये आपस में चिपके नहीं, ये अच्छे से उड़ जाएंगे। आप फ्राई के टाइम पे इसको उठा के फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारे पराठे रेडी हो गए। आपको जितना बनाना है 25-30 आप जितने बनाना चाहते हैं आप उतना बना के इसको फ्रीज कर सकते हैं।
तो मैं इसी तरीके अपनी प्लेट रखी हूँ, तो प्लेट के साथ मैं इसको डीप फ्रीजर में रख देती हूँ। जब ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा तो फिर हम इसको बैग में रखेंगे, मैं बताऊँगी कैसे रखना। तो हम रख देते हैं इसको अभी डीप फ्रीजर में। तो इधर आपको मैं बनाना बता रही हूँ क्रिस्पी बूंदी स्टोर करने का तरीका, जो हम चाट में यूज़ करते हैं। इस बूंदी को आप कोई भी चाट में डाल के खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो इधर मैंने ले लिया एक कप बेसन। बेसन के अंदर हम डाल देंगे थोड़ी सी हाफ चम्मच मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, नमक हाफ चम्मच, थोड़ा सा तेल 2 टेबल स्पून जितना, और इसको पानी डाल के हम एक बैटर बना लेंगे। पानी एकदम से नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं, बहुत ज़्यादा थिक नहीं, हमको एक बैटर रेडी करना है। बिल्कुल इसमें लम्स नहीं आनी चाहिए, अच्छे से फेंटना है इसको। इस बूंदी को भी हम बना के ना जिपलॉक बैग में डाल के डीप फ्रीजर में रख देंगे। रमज़ान में जब आप कोई भी चाट बनाते हैं ना, कोई भी चाट में रायते में आप इसको ऊपर से डालेंगे ना, तो बहुत टेस्टी होती है खाने में। बहुत अच्छी तरह इसको फेंटना है 5 से 8 मिनट तक। आपके पास बीटर है तो बीटर से बीट कर लें, जल्दी हो जाएगी। मैं चम्मच से बीट करना बता रही हूँ क्योंकि हर किसी के पास बीटर नहीं होता है। और पिंच ऑफ इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा, जिससे अच्छे से फूलेगी ना, क्रिस्पी भी होगी। फेंट लेंगे अच्छे से, फिर मैं बताती हूँ आपको। देखिए मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। इसका टेक्सचर देखिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, इस तरीके से है ये। और इधर मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो मेरे पास ना इस तरीके से चम्मच है, ऐसे चम्मच आपको सुराख वाले आते हैं वो आप रख के इसके पर से नीचे से झटकेंगे ना, इसमें पानी का देख, तो इस तरह से झटकेंगे ना, इसमें बूंदी गिरेगी। लेकिन मेरे पास है ना चम्मच वैसा वाला नहीं है, तो मैं ये रखती हूँ इसके ऊपर। इधर ये बारीक वाला, इधर मोटा वाला, तो इसके ऊपर मैं डालती हूँ इसको चम्मच से इस तरीके से। तो ये एक एक ड्रॉप उसमें गिरता रहेगा, हम इसको ऐसे ऐसे झटकेंगे ऐसे। देखिए गिर रहा है, और डाल लेंगे। देखिए बिल्कुल गोल गोल बूंदी और बहुत ही रेडी हो रही है। थोड़ा ऊपर करो, देखिए इस तरीके से कितनी अच्छी बूंदी बन रही है। इस तरीके से बना लो, ये फ्राई हो जाए, क्रिस्पी हो जाए, फिर मैं इसको निकालूंगी। देखिए बहुत ही क्रिस्पी और अच्छी बूंदी बनी है। देखिए आपको आवाज़ आ रही है, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। और हाई आंच पे आपको बनाना, हाई फ्लेम पे बनाना, इसको स्लो पे नहीं बनाना, नहीं तो ये नरम हो जाएगी। आप इसको प्लास्टिक बैग में डाल के आप इसको जिप लॉक बैग में रख दें फ्रिज में, और इसको आप कोई भी चाट बनाते हैं ना रमजान में, इसको ऊपर से डाल के खाएं। बहुत ही अच्छे टेस्ट इसका, बहुत अच्छा था। रायते में भी आप डाल के इसको खा सकते हैं, रमज़ान में अच्छा रहता है। इस जिप लॉक बैग में मैंने डाल के पैक कर लिया है इसको, आप चाहे तो ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी, देखिए कैसे टूट रही है, तो बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही अच्छी फ्राई हुई है। जिप लॉक बैग में डाल दिया, अब डीप फ्रीज़र में रख देंगे इसको हम पूरा रमज़ान। आप चाहे तो ज़्यादा बना लें इसको पूरा रमज़ान, रायते में इसमें चाट में हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए इधर सबसे पहले मैं ना पराठा बना ली थी, पराठा बना के, और उसको क्योंकि उसको फ्रोज़न करना था, मेरे को 2 से 3 घंटे चाहिए होता, तो सबसे पहले मैंने पराठा बना के डीप फ्रीज़र कर दिया, फ्रीज में आइस वाली जगह पर रख दिया है।
और मैंने फिर आप लोगों को बूंदी बनाना बताई, उसके बाद मैंने किचन पूरा सफाई करी, फिर मैं जाके फ्रेश हो गई थी, मैंने नहा लिया, मेरे कपड़े इधर वॉश हो गए थे, कपड़े भी मैंने वॉश कर लिए, तो फिर बाद में मैंने नमाज़ पढ़ ली थी, उसके बाद मैं गई थी फिर किचन में, तो ये कपड़े इधर वॉश हो गए थे, तो मैंने सोचा मैं कपड़े फैला दूँ फिर जाऊँ किचन में। मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे और पराठा अभी फ्रीज हो के मतलब 2 घंटे हो गए थे, अभी दोपहर होने आ गई, मैंने सुबह में पराठे को सबसे पहले पराठे को बना के रख दिया, फिर मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए, मेरा किचन का भी सफाई वगैरह हो गई और मैंने नहा लिया था और कपड़े भी इधर वॉश हो गए थे और नमाज़ भी पढ़ ली थी, फिर मैं जाके आपको फ्रोज़न पराठा अभी फ्राई करने का बताती हूँ। पहले देख लेती हूँ कि फ्रीज हुआ कि नहीं। देखिए फ्रोजन पराठा मैंने 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दिया था, ये हार्ड हो गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसी तरीके से प्लास्टिक के ऐसी तरह उठा के हम इधर पे, मैंने एक प्लास्टिक बैग नॉर्मल लिया, इसके अंदर डालेंगे और इसको बंद करके ये नॉक लगा के हम इसको डीप फ्रीज़र में रख देंगे। इसलिए मैंने प्लेट में इसलिए रखा था कि जब हम इसको इसमें रखेंगे ना और नॉक लगा के रखेंगे ना, तो ये हार्ड हो गया है तो ये फोल्ड नहीं होगा। अगर आप इसी तरीके से बेल के आप रखते हो ना, तो ये फोल्ड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, फिर आपका पराठा नहीं हलवा बन जाएगा, तो इसलिए इसको इस तरीके से हार्ड करके फिर इसके अंदर डाल के आप इस तरीके से फ्रिज में स्टोर कर दें, जब भी चाहिए जब निकालें, जब इसमें से एक एक निकालें और फ्राई करें। और मैं फ्राई करना भी आपको बता दे रही हूँ, इसमें से हम निकालते हैं ना, अभी एकदम हार्ड हो चुका है, देखिए इस तरीके से हार्ड हो चुका है, देखिए ऐसे हम इसको इसी तरीके से उठाएंगे एक थर्स के साथ, सफाई पकड़ो तो थोड़ा तलाबाद का बैग कैसा आया, वॉइस ओवर कर देना। हाँ चलो, इस तरीके से निकल जाएगा, ये प्लास्टिक निकाल लेंगे, ये हो गया है। अब मैं इसको इधर पे पहले हम स्लो हल्की आंच पे इसको हम सेक लेते हैं दोनों साइड से, फिर तेल डाल के हम इसको सेकेंगे। जैसे जैसे ये सेकता जा रहा ना, एकदम सॉफ्ट होते जा रहा है, तो उसको थोड़ा केयर करके हम दोनों साइड में इसको सेकेंगे, बाद में तेल डाल के फिर दोनों साइड से हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसको मीडियम आँच पर रख के करना है, थोड़ा सा क्रिस्पी बनाना है, एकदम सॉफ्ट नहीं बनाना, मीडियम आँच पर रख के करना। देखिए इस पर मैंने इस तरीके से डाल के सेक लिया था, एक सब्जी इसमें डालो, एक सब्जी इसमें डालो, अलग ओवन में गरम करो, इधर से जरा मेरी वीडियो बनाओ ऐसा लुक आए, इधर का कुछ बॉल वॉल ये वो कुछ आना नहीं चाहिए, एकदम क्लियर इस पे का नहीं। क्या ले मिर्जा साहब, ठीक हो कि भूल गए हो ना, सो गए थे लगता, नींद में डिस्टर्ब किया आपको मैं? नहीं नहीं, बस ड्राइव करने लगा था। ड्राइव करने लगे थे आप, ड्यूटी खत्म नहीं है अभी तक आपकी, 3 बज रहे हैं। नहीं नहीं, अभी डे ड्यूटी है। अच्छा डे ड्यूटी है, अल्लाह रहम करे। रोटी शोटी नहीं खाई मतलब अभी तक का? खा ली, खा के वापस ड्यूटी पे चले गए। और कैसे हैं सेहत, सब ठीक ठाक है?